स्टूडेंट्स, बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा बिफोर फाइनलाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर देर आर सम थ्योरीज जिनके बेसिस के ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, उसके कंक्लूजन, उसके रिजल्ट्स। ठीक है, तो बेटा इनके अंदर सबसे फर्स्ट जो टाइप है ये बेटा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी यूज होगा। तो इसकी पहली जो थ्योरी है बेटा वो है नेट इनकम अप्रोच, फर्स्ट वन, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, इसको NI अप्रोच भी बोलते हैं, नेट इनकम अप्रोच। सेकेंड वन इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच। थर्ड वन इज मोदी गिलानी, मोदी गिलानी। अब एन मिलर, बेटा ये किस नाम से पॉपुलर है? MM अप्रोच, MM अप्रोच। ठीक है, और फोर्थ वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। बेटा चार अप्रोचेज आपके पास, ठीक है, इनके बेसिस के ऊपर ये बेटा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इसी के बीच में इंक्लूड होंगे। तो थ्योरी के अंदर ये चारों जो अप्रोचेज हैं इनकी देर आर सम अजम्पशंस। अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो बेटा इसमें अजम्पशंस हैं, ये कॉमन अजम्पशंस है थ्योरी की। इन अजम्पशन के अंदर सबसे पहले क्या, देर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, देर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, मतलब यहां पर हम बात करते हैं डेट एंड इक्विटी, विच मीन्स नो प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब ये हुआ। सेकेंड जो बेटा इसके अंदर अजम्पशन आती है, उस अजम्पशन में क्या है, देर आर नो टैक्सेस, अज्यूम करना पड़ेगा देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस कह लो या टैक्सेस अज्यूम्ड। नंबर थ्री में जो अप्रोच बनती है, देर इज नो ट्रेडिशनल सॉरी रिटेन्ड अर्निंग, देर इज नो रिटेन्ड अर्निंग। क्या होती है बेटा रिटेन्ड अर्निंग, जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करा डिवेंचर्स के ऊपर, डिविडेंड पे करा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी के ऊपर, कुछ बेटा एप्रोप्रिएशन, कुछ पैसा रिटेन कर लिया प्रॉफिट में से, इन रिटेन अर्निंग के ऊपर किसका राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी केप्ट बाय द कंपनी इन देयर बैलेंस शीट। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, रिटेन, तो इसने क्या करा, देर इज नो रिटेन अर्निंग, मतलब वट एवर द इनकम अर्न बाय द कंपनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द शेयर होल्डर और पे टैक्सेस और इंटरेस्ट। ठीक है, इट रिटेन अर्निंग नहीं रखते हैं वो। नंबर फोर की बात करें बेटा, इसकी फोर्थ अजम्पशन, कॉमन अजम्पशन है फॉर योर ऑल थ्योरीज। तो फोर्थ वन इज व्हाट, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कांस्टेंट, द इन्वेस्टमेंट
डिसीजंस आर कॉन्स्टेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसी के साथ कंटिन्यूशन, उसमें बेटा कोई चेंजेस नहीं. देन फिफ्थ वन इज द ईबीआईटी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब जो भी द ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो. इसमें मतलब क्या कह रहा है वो कि जो प्रॉफिट है कॉन्स्टेंट रहेगा, वही चलता रहेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. एंड नंबर सिक्स की बात करें बेटा, यहां पर द बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. द बिजनेस रिस्क क्या रहेंगे ये ऑफ द कंपनी, आर कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो बेटा ये जो थ्योरीज हैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा ये. और मैंने जो अजम्पशन लिखी है वो सारी कॉमन अजम्पशन से इन चारों अप्रोचेस को लेकर, ठीक है, बट आगे जाके आपको इंडिपेंडेंट अजम्पशन भी मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को लेकर, बट जो कॉमन अप्रोचेस है बेटा इन चारों थ्योरीज के अंदर वो सिमिलर है. ठीक है, अब बेटा कुछ एक टर्म्स यूज होंगी आपकी आगे इन्हीं अप्रोचेस के अंदर, उन टर्म्स को लेकर कुछ एक सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपने अपने माइंड में प्रॉपर क्या जी इनका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है. सो इसमें सबसे पहले क्या था, ईबीआईटी. ये बेटा इनकम है आपकी और अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अर्निंग मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, फिर बात आती है बेटा ईबीटी की, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, अर्निंग आफ्टर या बिफोर, अगर हम बात करें बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट. बेटा इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है, डिबेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है. टैक्स किसके ऊपर निकलता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो भी निकलेगा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स निकलेगा. फिर इसके अंदर एनआई, ठीक है, इसका मतलब क्या, नेट अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, इसको नेट इनकम भी बोलते हैं, नेट अर्निंग्स, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है बिफोर, सॉरी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और एक अंश शेयर होल्डर्स, एनआई का मतलब, ठीक है. फिर आता बेटा इसमें एस, ठीक है, एस का मतलब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है. फिर बेटा इसमें आता है बी, ये सारे साइंस आपके आगे शॉर्ट फॉर्म्स बेटा अप्रोचेस में यूज होगी. बी के लिए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, डेट मींस डिबेंचर्स. वी फॉर विक्ट्री बेटा, बट इसका यहां पर क्या यूज है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी. तो बेटा कंपनी के अंदर जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं क्या आपके पास, यहां पर एक तो इक्विटी
और दूसरे डेट, मतलब इक्विटी के लिए बात कर रहे हैं एस और डेट के लिए बात कर रहे हैं बी। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी है उसका मतलब क्या है, एस प्लस बी, ठीक है, इसको टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बोलेंगे हम। और बेटा आई, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। तो बेटा कुछ एक सिंबल्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप ये आगे इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ जी ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होता है, नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है। और बेटा ये जो नीचे टॉपिक है आपके पास एस बी और वी आई जो भी है, ठीक है, ये था इक्विटी की मार्केट वैल्यू, डेट की मार्केट वैल्यू, कंपनी की टोटल वैल्यू और नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो बेटा इसको फाइंड आउट कैसे करना होता हमने, अगर अर्निंग्स आपके पास है ईबीआईटी, ये आपको ऑलरेडी मतलब ये प्रॉफिट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसको क्या बोलते हैं ईबीआईटी। बेटा इसमें से क्या लेस करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करा, देन लेस इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर बेटा लेस टैक्सेस, ठीक है, जो बचा, और इसमें अगर कोई एप्रोप्रिएशंस हैं लेस एप्रोप्रिएशंस, अगर कहीं ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व एंड ऑल दैट, तो बेटा जो लास्ट में अमाउंट बचता है वो क्या आती है, नेट अर्निंग किसकी बेटा यहां पर, शेयर होल्डर्स की, इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो आया आपके पास ये क्या रहेगा, एन आई, एन आई, ठीक है, नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा इसको अगर ईपीएस निकालने के लिए आता है आपके पास तो एनआई मतलब नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इस अर्निंग को, नेट अर्निंग को किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईपीएस। तो अगर आपको दिए क्वेश्चन के अंदर तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेप्स रहेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, टैक्सेस हैं, और लेस एप्रोप्रिएशन के ट्रांसफर करना होगा, कुछ रिटेन करना होगा, वैसे इन अजम्पशन थ्योरी के अंदर क्या बोला उसने, देयर इज नो रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, पर और कहीं रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा वट एवर एज पर योर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, बेटा लेस एप्रोप्रिएशन एंड द अमाउंट अवेलेबल लास्ट में जो बचेगा विच इज नोन एज अ एनआई मतलब नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है।